चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं, है ना, एमीन के भौतिक गुण, है ना। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एमीन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और वहां पे एमीन किसे कहते हैं, एमीन के बनाने की विधि और जितने भी मेथड के फॉर्मेशन थे, साथ में उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी देखा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में, साथ में उसका एक सिंपल यानी सरल एमीन में और मिश्रित एमीन में हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो आज देख लेते हैं इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बात करें यहाँ पे एमीन की, तो जो एलिफेटिक एमीन होती है, एलिफेटिक एमीन के निम्न सदस्य क्या होते हैं, गैसे होते हैं। निम्न सदस्य का मतलब है कि ऐसी एमीन जिसमें कि कार्बन की संख्या कम से कम हो, ठीक है। तो इसके निम्न सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होती है, तीन अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली एमीन किसके फॉर्म में होती है, द्रव फॉर्म में, ठीक है। निम्न सदस्य गैस के फॉर्म में, तीन अथवा अधिक कार्बन वाले द्रव के फॉर्म में, और उच्चतर एमीन किसके फॉर्म में होती है, ठोस के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो एमीन के ये कुछ फॉर्म है, यानी ठोस द्रव गैस तीनों रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो ठोस द्रव गैस में एमीन किस फॉर्म में है, ठीक है, निम्नतम है गैस के रूप में, अधिक तीन अथवा अधिक है द्रव के रूप में, और उच्चतर एमीन जो होते हैं ठोस के रूप में। अब यहाँ पे जैसे अगला, निम्नतम एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं, यानी जिसमें कार्बन की संख्या कम से कम है वो जल में क्या होंगे, विलय होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध। जैसे इनको जल में घुला जाता है, जल में घुल जाने का मतलब वो हाइड्रोजन बंध जल के अणुओं के साथ बनाया होगा तभी घुला होगा। तो निम्न सदस्य, क्योंकि जो एमीन है उसका 1 डिग्री जनरली एमीन है, उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, है ना, साथ में नाइट्रोजन, तो वो क्या करेगा, आसानी से दूसरे एमीन और साथ में जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल में विलय होता है यानी घुल जाता है। एरोमेटिक एमीन क्या होता है, जल में कम विलय होते हैं। एरोमेटिक का मतलब है जो बेंजीन विलय के साथ में एमीन समूह जुड़ा होगा, तो एरोमेटिक विलय क्या होते हैं, जल में कम विलय होते हैं। अगला है, शुद्ध अवस्था में एमीन क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, परंतु वायु के साथ साक्षीकृत होकर रंगीन हो जाते हैं। एमीन शुद्ध अवस्था में रंगहीन अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये वायु के साथ साक्षीकृत होकर रंगीन बनाती है। समावयवी एमीनों के क्वथनांक क्रम ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, जैसा 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री एमीन है, तीनों टाइप के एमीन है, तो इन तीनों टाइप के एमीन में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका क्वथनांक कम होगा, ये कैसे बता पाएंगे, है ना। तो जनरली ये हाइड्रोजन बंध बनाने के प्रकार पे होता है कि जैसे एमीन एमीन है तो जो क्वथनांक होगा, एमीन एमीन आपस में हाइड्रोजन बंध आपस में बना लेते हैं, कई सारे अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो आपस में वो कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन रहते हैं एक, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन रहते ही नहीं। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1 डिग्री एमीन, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, अगर R है और यहाँ पे देखो NH2 होता है, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसकी बात करोगे तो RNHR, है ना, केवल एक हाइड्रोजन, और इस वाले केस में RNRe, तो ये 3 डिग्री एमीन है, तीन एल्किल समूह, 2 डिग्री एमीन, दो एल्किल समूह, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री मतलब 1 एल्किल समूह, ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब हाइड्रोजन बंधों की संख्या एक तरीके से ज्यादा होगी यहाँ पे, है ना, बट यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, तो वहां पे संख्या कम हुई, ये वाले केस में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बंध बनने के केस बहुत कम होंगे, यानी आपस में अणु जो बनेंगे तो आपस में अणुओं की संख्या कहीं ना कहीं कम होगी, जिसकी वजह से क्वथनांक का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री का क्वथनांक जब क्या होता है ज्यादा, 2 डिग्री मीन का उससे कम, 3 डिग्री मीन का क्वथनांक उससे कम, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका रासायनिक प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, फिर आगे इसको उपयोग करके खत्म करते हैं। रासायनिक गुण, ठीक है, देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे एमीन के भौतिक गुण हो चुका है, अब एमीन के कुछ रासायनिक गुण यानी किसके साथ यह अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं एमीन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये जो एमीन है उसकी प्रकृति कैसी, क्षारीय, तो क्षार जब भी अम्ल से क्रिया करता है तो अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा क्या बनता है, लवण प्लस जल, ठीक है। उसी तरह अगर अम्ल से क्रिया यानी जो एमीन है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाने वाला है, लवण,
यानी एमीन अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या आएगा। यानी एमीन है जैसे आर एन एच टू है, अगर कोई भी एम ले लिया है ना, तो क्रिया करके यहां से एक एक तरीके से एच ये सी ए क्या होगा, इसी में एड होगा। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, डस्टर कहाँ बेटा, ठीक है देख लेते हैं रिएक्शन। अब यहां पे जैसे ये हेलोजन हमने, तो क्या करता है ये आर एन एच थ्री और सी एल माइनस, एक तरीके से इस तरीके से डायजोनियम लेवल तो यहां पे नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से सॉल्ट है ना, प्लस माइनस आयनिक सॉल्ट। तो क्या करता है ये एमीन, ये जो हाइड्रोजन अम्ल है इसका एच भी है कि नाइट्रोजन क्या होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व तो ही है ना, तो इसका ग्रहण करके एनएच प्लस एनएच टू ही है, एक एच और ग्रहण करते हैं एनएच थ्री प्लस, और साथ में इसका जो यहाँ पे होगा अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले लें सी एल, तो क्या हो जाएगा ये है ना सी एल ले लिए तो सी एल माइनस हो गया है ना, जो भी ले लोगे यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एक तरीके का सॉल्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो जो एमीन है एमीन कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो, जैसे यहाँ पे सी एस थ्री एन एच टू कर दिया और यहाँ पे एच सी एल ले लिया, तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री एन एच थ्री और यहाँ पे सी एल। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब एक प्लस एक माइनस होता है ना सॉल्ट में, जस्ट वैसे। ठीक है, तो एमीन अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है लवण बनाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक है इसका ब्रोमोनीकरण। ठीक है, ब्रोमोनीकरण में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ब्रोमोनीकरण। तो अगर हम लोग एलिफैटिक एमीन की बात करें या एरोमेटिक एमीन की बात करें, तो जनरली एरोमेटिक एमीन का क्या मतलब होगा, बेंजीन की श्रृंखला होगी है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एमीन, तो ये एरोमेटिक एमीन। ठीक है, एरोमेटिक वन डिग्री एमीन है, और इसको हम लोग एनिलीन भी कहते हैं है ना, बेंजीन एमीन है लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं एनिलीन भी कहते हैं। तो एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके, एमीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जैसे था ना कि वहां पे ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके फिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है, सेम वैसे ही। तो जो एनिलीन है इसका ब्रोमोनीकरण यानी ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा ये यहां पे कैसे जुड़ेगा देख लेते हैं, यहां पे ब्रोमो पैरा पे ब्रोमो एंड फिर से यहां इस पोजिशन पे ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा 1,2,3,4,5,6 यानी 2,4,6 2,4,6 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है, यानी ट्राई क्या है ब्रोमो है और पूरा स्ट्रक्चर क्या है एनिलीन का है, तो एनिलीन हो गया। ठीक है, यानी एनिलीन ठीक है एक तरीके से एमीन है, ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या कर रही है ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना रही है। तो यह ब्रोमोनीकरण जो एरोमेटिक एमीन है उसका ब्रोमोनीकरण कराने पर यह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आप लोगों ने हेलोजन वाले में वो देखा हो हेलोरिन वाला, तो जनरली ये एरोमेटिक एमीन में ये यहाँ पे जो समूह होता है इसकी वजह से अनुनाद की प्रकृति जो यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे एक आंशिक बंध रहता है। यानी क्या होता है जो ये समूह है ये एक प्रभाव दिखाता है, क्या निर्देशी प्रभाव दिखाता है आर्थो और पैरा पे, आर्थो और पैरा निर्देशी होता है। तो जनरली अगर हम लोग इसका जैसा अगर कराएं यहाँ पे फिनॉल को जैसे हम लोग कराते हैं या हेलोरिन में क्लोरोबेंजीन का कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है उसका क्लोरीन परमाणु आर्थो और पैरा निर्देशी होता है। तो उसी तरीके से उसी का प्रभाव कुछ यहाँ पे दिखता है, इस पोजिशन पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कुछ अभिक्रिया। एक और देख लेते हैं, कार्बिल एमीन से अभिक्रिया देख लेते हैं। कार्बिल एमीन ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
कार्बिल एमीन से अभिक्रिया। यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बिलेमीन यानी जो वन डिग्री एमीन है, एलिफैटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन, एलिफैटिक या एरोमेटिक जो एमीन है वन डिग्री एमीन, उसको अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के साथ में क्लोरोफॉर्म प्लस उसको क्या करते हैं गर्म करेंगे उसके साथ में, तो क्या होगा वहां पे आपको एक तरीके से मिल जाएगा आइसोसाइनाइड तीसर गंध वाला, है आरएनसी एक तरीके से कह सकते हो, आइसोसाइनाइड तीसर गंध वाला आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो यदि एलिफैटिक तथा एरोमेटिक वन डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक के ओएच के साथ में गर्म करते हैं, किसके साथ में क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक के ओएच के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो आरएनसी यानी आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है तीसरे गंध वाला। ठीक है, इसके रिएक्शन लिख लेते हैं क्या है, इसको फिर से देख ले। जब वन डिग्री एमीन एलिफैटिक या एरोमेटिक, एलिफैटिक या एरोमेटिक वन डिग्री एमीन को के ओ एच अल्कोहलिक के ओ एच और क्लोरोफॉर्म के साथ में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, देख लेते हैं। यहां पे अगर हम लोग लिखे वन डिग्री एमीन को लिख लेते हैं और यहां पे क्या ले लिया क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या ले लिया के ओ एच ले लिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस के ओ एच और इसको क्या करना है गर्म करना है, जैसे गर्म करोगे तो इतना ये पार्ट एक तरीके से, ठीक है, कितना सो एच माइनस है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा थ्री के सी एल। ठीक है, और साथ में क्या है बनता है आर एन सी आइसोसाइनाइड, क्या बनता है आइसोसाइनाइड, जो सी एन होता है क्या होता है साइनाइड होता है और एन आगे आ जाता है तो आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, तो जैसे ये क्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है प्लस में ये केस इसके साथ तो क्रिया करके क्या बनेगा थ्री के सी एल और बचेगा क्या यहाँ पे H2 एक है, एक यहां से H आएगा एक यहां से है, टोटल मिला के यहाँ पे लगभग लगभग हो जाएंगे छह यानी थ्री एच टू, टोटल हाइड्रोजन कितने बचेंगे क्योंकि इतना निकल गया थ्री इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा चार हाइड्रोजन और यहाँ पे एक चार दो छह हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं थ्री वन जा ये हो जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे। तो कहने का मतलब है जैसे ही वन डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म और इसके साथ में पोटेशियम एल्कोहलिक के एच के साथ में एल्कोहलिक है के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड जो भी यहाँ पे मतलब प्राप्त होगा ग्रुप मेथिल होगा तो मेथिल एथिल कोई भी समूह होगा तो आइसोसाइनाइड ये तीसरे गंध वाला होता है साथ में केसीएल और एस2ओ भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए था कार्बिलेमीन एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारे ये अभिक्रिया प्राप्त हो गई थी, ऐसे करके कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, उनको भी वन बाय वन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद इसके उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नोट करिएगा, आर से कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं इसको। सी एस थ्री एन एच टू व सी एस थ्री एन एच सी एच टू सी एस थ्री में किसका कथनांक अधिक होगा, बताइएगा इसको। कथनांकों को हम लोगों ने कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर देखा था, तो यहां पे वन डिग्री में का कथनांक ज्यादा आ रहा था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे थे, टू डिग्री का कथनांक कम आ रहा था हाइड्रोजन एक ही था और थ्री डिग्री का कथनांक सबसे कम था क्योंकि हाइड्रोजन संख्या बिल्कुल नहीं थी वहां पे। तो यहां पे देख लेते हैं ये एक तो किस तरीके का सी एस थ्री एन एस टू ये किस तरीके का एमीन है वन डिग्री एमीन है, इसकी बात करेंगे सी एस थ्री एन एच सी एच टू सी एस थ्री ये किस तरीके का मीन है टू डिग्री मीन है ना टू डिग्री, तो टू डिग्री वन डिग्री, वन डिग्री क्या होता है ज्यादा इसका कथनांक होता है टू डिग्री कथनांक कम होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रम
बन जाएगा, ऑप्शन हो तो इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एमीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण हम लोगों ने थोड़े थोड़े देख लिए हैं, अब देख लेते हैं कि एमीन के उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली हम लोग एमीन का उपयोग कहाँ पे करेंगे वो चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें जो कम अणुभार वाले एलिफैटिक एमीन होते हैं, ठीक है, कम अणुभार वाले एलिफैटिक एमीन का उपयोग कहां पे करते हैं, प्रयोगशाला में विलायक करो, है ना, यानी जिनका अणुभार कम होता है उनका विलायक के रूप में उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में। एरोमेटिक एमीन का उपयोग कहां करते हैं, रंजक बनाने में, अलग अलग कलर के रंजक बनाने में तथा बहुलक बनाने में, किसका, एरोमेटिक एमीन का उपयोग, ठीक है। यह औषधियों में, जो एमीन होती है औषधियों के औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे उपयोग हैं और इसके भी बहुत से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको हम लोग अलग से क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे, बहुत से क्रियाएं इसकी हैं और कुछ आईयूपीएसी ने में, ठीक है। जैसे आप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एथिल एमीन के परीक्षण के लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए, इसको देखिएगा, एथिल एमीन के परीक्षण के लिए, ठीक है। तो जब हम लोगों ने कार्बिल एमीन वाली अभिक्रिया देखी थी, कार्बिल एमीन, तो एथिल एमीन उसी तरीके का है, तो एथिल एमीन के परीक्षण के लिए कार्बिल एमीन में हम लोगों ने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म के साथ में अल्कोहलिक क्वेश मिला करके गर्म किया था तो हमें आइसोसाइनाइड मिला था। तो एथिल एमीन के परीक्षण करने के लिए हम लोग वही चीज करेंगे, एथिल एमीन की जो क्रिया है किसके साथ करा देंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ में, साथ में इसको अल्कोहलिक क्वेश के साथ में हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, तीसरे गंध वाला आइसोसाइनाइड मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब वो एथिल एमीन है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर की महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने देख ली है, जो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको अलग से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, ओके। चलिए ठीक है।